नमस्ते गाइस, मैं हूँ शैलजा और मैं हूँ अरविंद। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू हैं तो फिर हम रहते हैं नॉर्वे में, हम लोग इंडिया से हैं और हम नॉर्वे के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्या बात है। आज हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है शिस्तफॉस म्यूजियम, जो कि ट्विस्टेड सी बिल्डिंग है एकदम, और बहुत खूबसूरत जगह है जैसे मैंने फोटोज में देखी है। सो काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे वहां जाने का, फाइनली जा रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो व्लॉगिंग अबाउट इट। हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून गाइज। और एवा भी यहाँ पे है, एवा भी पीछे सो रही है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अगर आपको हम मौसम की जानकारी ना दें तो वो व्लॉग पूरा नहीं होता। तो मौसम आज बहुत अच्छा है, अराउंड 24 डिग्री के अराउंड है वेदर, और फर्स्ट वीकेंड है जो इतना अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट जून आ चुका है, आज 29 मई है और अब जाके फर्स्ट वीकेंड है जब मौसम इतना अच्छा है। हाँ जी, है वो यस। और तो देखिए आप बाहर का व्यू कितना सही लग रहा है, सब कुछ घास एकदम हरी हो गई है, पेड़ में पत्ते आगे हैं पेड़ों में, और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। कि एक एडल्ट की है 180 करोनर, और बच्चों के लिए फ्री है, मतलब 16 साल तक के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए फ्री है। अभी हमने एंटर ही करा है, बहुत अच्छा एकदम जंगल के अंदर लग रहा है ये जगह है, और म्यूजियम उस साइड है, और यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है जो कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा पानी भी बह रहा है। तो चलते हैं अंदर। इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। एप्पल। सो गाइस, राइट, क्या ऑर्डर कर रहा है? सबसे पहले हम लोग आगे कैफे में खाने। अरविंद, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या-क्या है? कुछ नहीं जी, ये है वॉफल और ये है वेजिटेरियन सैंडविच जैसे, और ये एप्पल के जूस है, दो बस, ज्यादा कुछ नहीं है। महंगे और कुछ है, बहुत ज्यादा महंगे है। या इन सब के लिए हमेशा महंगे होते हैं। 409 दिए इन सब के। यहां पे बैठ आवा जी, यहां पे खेल रही है बच्चों की पार्क भी। आवा फटो फटो साइड हो जाओ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अब कहाँ जा रहे हो? प्लेग्राउंड। चलो चलो। सो ये जो म्यूजियम है शिस्तफॉस म्यूजियम, ये अभी रिसेंटली ही यहाँ पे जो ट्विस्टेड बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, वो अभी बनी थी 2019 में, और यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने बनाए हैं, उसमें से एक इंडियन आर्टिस्ट भी है जिनका नाम है अनीश कपूर। और बहुत ही अच्छा सा पार्क है, देखिए आप और क्या क्या है यहाँ पे। ये आई थिंक इन्होंने एक टोर्नेडो जो है, ये वर्लपूल जिसे कहेंगे, वो सिमुलेट किया हुआ है, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, नॉट सिमुलेट, बट इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इंजीनियरिंग के मार्वल्स जो है ये, आई थिंक 2006 में इन्होंने यहाँ प्रोटोटाइप रखा था, उसका नाम है जी एनर्जी स्पेस एंड मैटर 2006, बट इट्स रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा है। It goes inside here. Is this a water tornado? तो मेरे पीछे हम पहुंच चुके हैं क्रिस्टोफर्स म्यूजियम। ये मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फोटो देखी थी और तब से हमको यहाँ आना था,
और आ नहीं पा रहे थे। एक दिन हमने चेक करा, पता चला हमारे घर के पास ही है। फाइनली वी आर हियर, ऑल सो हैप्पी। अब वो पानी पीने चुके। अब ये देखो ट्रेन सिल्वर कलर की। यार बहुत ही सही है, बीइंग एन इंजीनियर मेरे को तो ये जो है अपना शिस्तफोस म्यूजियम ये बहुत ही अच्छा है। अभी अंदर नहीं गया बट बाहर से ही जो इतना सुंदर है वो अंदर से कितना सुंदर होगा भाइयों, मेरे पीछे देखो। और साथ ही साथ देखिए अच्छी बात क्या है कि नेचर के बीच है, देखिए नेचर के बीच, पीछे नेचर ही दिख रही है आपको। इंजीनियरिंग के जो है थोड़े मोटे आर्किटेक्चर्स है। और अब म्यूजियम पे देखते हैं, ट्विस्टेड म्यूजियम। इसका मैं इसके बाद ड्रोन शॉट लेने वाला हूँ, देखते हैं इफ दे अलाउ। ऐसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा यू आर फ्री टू डू सो, क्योंकि हम इतनी फीस दे के आए, राइट, मुफ्त में तो है नहीं। तो भाई दिन कुशल मंगल चल रहा है अभी तक। चलिए देखते हैं, ये दोनों भी यहाँ पे है एवा के साथ। बस ये होता है कि एक घंटे में अगर हमने पूरा करना था तो चार घंटे, बट आई थिंक लाइफ यही है। अब एवा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि छोटी बच्ची है, बट एटीट्यूड फुल है उसमें कि आई एम 4 years old। चलो भाई देखते हैं अब शिस्तफोस म्यूजियम। फाइनली 2 घंटे के बाद एंट्री मार रहे हैं, देखते हैं कैसा है। देखिए कितनी विशाल है ये जगह। नीचे ऐसे रखा है कि किसी स्ट्रीम का पानी यहाँ पे आया अंदर, और लकड़ियाँ गंदगी दिखाई है इन लोगों ने। आई थिंक कि कितना गंदे है हमारे ओशन। आई थिंक ये कैमरे का मोबाइल ये है, हमारी फिश यहाँ पे है। आई थिंक तो ये उसको टारगेट कर रहा है ये, तभी उन्होंने कि कैमरे का ब्लैकबेरी कि हम ओशन में क्या क्या गंदगी फैला रहे हैं, ये उसको सिंबलाइज करती है। ये देखिए मेरा प्रति, आई थिंक ये बहुत ही आर्टिस्टिक पीसेस यहाँ रख रखे हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा। हाँ नहीं, बट इट इज गुड। यार व्यू देख ना, नेचर की व्यू, मैं इसका डिजाइन चेक कर रहा हूँ, इसका आर्किटेक्ट जो बहुत ही उम्दा है। देख ये देखो, वहां से आ रही है इसकी सीढ़ियां कैसे है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे प्रोट्रूड हुई है। तो भाइयों आज हमें मिल चुके हैं यहीं पे शिस्तफोस में 4 हिंदुस्तानी भाई, 3 उत्तराखंड के, 1 दिल्ली के, और मैं शिमला का। तो ये इसी म्यूजियम के अंदर मिले। तो भाई लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपको देख के अच्छा लगा। हमारे को देखे की नहीं, मेरे को देख के एक यूट्यूबर से मिले हम। अरे ऐसी है भाई, बस आपकी अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा हमने देखी। आप पहले आई थिंक पूरे यूरोप में पहले स्टूडेंट, जो नॉर्वे की तरफ से पहले स्टूडेंट बने थे आप शायद। हाँ हाँ, वो तो यार बोले कहानी है भाई। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंडियन का बंदा, इंडिया वाला बंदा यहाँ पे आके ये चीज। मैं तो 12 बजे नींद आई तो मैं खोल लेता हूँ। ठीक है ठीक, खोलो भाई खोलो। आपको पता ही है कितना महंगा ये, राइट? तो समय और पैसा दोनों लगता है, बट चलो वो कोई बात नहीं। बाकी अभी तक होती नॉर्वे के बारे में, सबसे पहले आपका वीडियो सर्कुलेट होता है ग्रुप में। ठीक है भाई, जो ऐप की बताया आपने, 10 ऐप के बारे में बताया था ना, बहुत बढ़िया। अच्छा वो ऐप्स थे। हाँ हाँ, सारे वीडियो देखे हैं, मतलब आपके कोई वीडियो ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा है। क्या बात है भाई, क्या ये सबसे ज्यादा शर्मा रहे थे, बोलते मैं कुछ नहीं बोलूं, और सबसे ज्यादा भाई बोल रहे हैं। चलो तो अभी तक नॉर्वे कैसा लगा है? सही है, ठीक है, काफी अच्छा है। सबसे पहले क्लाइमेट वगैरह ये सही है, साफ बढ़िया। कि लोग भी यहाँ के जो है ना, वो भी काफी मतलब सही अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने कंट्री को लेके काफी सोचते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज सबके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं इंडियंस में, इंडियंस भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। देखो वीडियो पे संभल के बोला, वरना आपको ना बंदे ढूंढ लेगा चुन के, और स्पेशल आपको गाली पड़ेगी।
क्या करते हो? बढ़िया, बस हम ये ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर जॉब करते हैं। अच्छा, ये बहुत है कि आईटी के नहीं हो आप? नहीं तो पहले मैंने सोचा आईटी के बोलते नहीं है, तो अच्छा लगा मेरे को। क्या आईटी के काफी बंदे यहाँ पे? बहुत है यार आईटी। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती गाड़ियों से? हाँ हाँ, मेरे को तो हमेशा होती है भाई। कॉन्टेक्ट नंबर में आपको? हाँ हाँ हाँ, वो इस पे नहीं बताऊंगा। कोई भी दिक्कत? थोड़ी सी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देखिए, जनरली जो रेट है अंदर आने का टिकट, वो 180 नॉक है, ठीक है, 1800 रुपए। बट अगर आप 5 बजे के बाद आते हैं तो सिर्फ 100 नॉक है। तो क्यों है डिफरेंस मैं बताता हूँ, क्योंकि जो बिल्डिंग्स थी या म्यूजियम्स है वो सारी 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो अगर आपको सिर्फ पार्क में घूमना है वो आपको 100 नॉक में भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि बिल्डिंग्स में इतना कुछ खास है नहीं, 100 नॉक में ही आइए और पार्क का नज़ारा लीजिए, लुत्फ लीजिए। और साथ ही साथ आई थिंक ये मंडे को बंद होता है, बाकी एवरी डे इट इज़ ओपन 10 to 5। और बाकी तो आप वेबसाइट पे चेक कर ही सकते हैं, बट आई थिंक उमदा जगह, एकदम उमदा जगह। और दोस्त जो मिले आज उन्होंने तो और उमदा बना दिया। मोगरे की फूल की खुशबू आ रही है ना। चलिए जी गाइस, बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनाया है, बहुत मेहनत। सो प्लीज लाइक इट इफ यू लाइक इट, एंड इफ यू लव इट तो कमेंट करके बताना जरूर, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप इस इलाके में हैं, ये आई थिंक ओस्लो से 70-80 किलोमीटर दूरी पे होगा, तो आइए पक्का, इट्स वर्थ, बहुत अच्छी जगह है। और 5 बजे के बाद तो ऐसा लगेगा आपने प्राइवेटली बुक कराया। हाँ, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरी जगह सिर्फ एक दो लोग हैं और कोई भी नहीं है। आवाज सो रही है अभी प्रैम में, और अब हम लोग चलते हैं वापस, घर जाना है, डिनर बनाना है, और लॉन्ग डे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नाटी 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 सिर मोरो वाली है।